बैट इन चैट नाजरीन, आज आपने पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच देखा और फैफू भाई ने भी यकीनन देखा होगा। फैफू भाई, कैसा फील किया आपने? भाई चलें, जीत गए, खुशी तो हो रही थी, अच्छा, लेकिन थोड़ा इस तरह करके ही जीते हैं, एज एक्सपेक्टेड था। जिस तरह बांग्लादेश विकेट्स बनाता है, के वो तो चाहते हैं कि वो अपने मुल्क में सारे मैच जीते हैं, और फिर जब बाहर किसी मुल्क में जाएं तो उधर उनकी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो, हाँ जी, तो बैड फील होता है उनकी मुल्क को देख के। उनके जिस तरह के उनके फैंस है, मेरे ख्याल उनके साथ जस्टिफाई नहीं होता। जिस तरह बेचारे। की विकेट्स वो बनाते हैं, इससे बाहर जाके स्ट्रगल भी करते हैं। अच्छा, विकेट्स पे भी बात करेंगे। फैफू भाई, एक बात तो बताएं जरा। हाँ जी सोशल मीडिया में ना, मैं आपको सोशल मीडिया की थोड़ी सी बताता हूँ, जो मतलब जो मैंने अभी एनालाइज किया, जी बहुत ज्यादा ट्रॉलिंग हो रही है पाकिस्तानी फैंस में जी बांग्लादेश की इस टाइम। इस लिहाज से नहीं कि उनकी टीम को कोई क्रिटिसिज्म मिल रहा हो, या ये कहा जा रहा हो कि बांग्लादेशी फैंस ऐसे हैं वैसे हैं, उनमें बड़ा इत्तफाक, प्यार, मोहब्बत आपको नजर आएगा। बिल्कुल लेकिन सही जो कमेंट्री में आज माशाल्लाह से कुछ ऐसा कह लें कि ओवर एक्साइटमेंट नजर आई बंगाली कमेंटेटर्स पे, उस पे आप क्या कहेंगे? मसलन कुछ ऐसी मीम्स थी जिनमें लिखा हुआ था कि आज हमें सईद बाजिद खान जैसा कमेंटेटर मेरे बड़ा ख्याल है, मिस किया है। हम सबको बाजिद खान से एक माफी मांगनी चाहिए, लेटर लिख के अपोलॉजी अपोलोजी फॉर्म। हाँ फॉर्म फिल करना चाहिए, क्योंकि जो हरकतें इधर अथर अली खान और शमीम चौधरी करते हैं बांग्लादेश में, खास तौर पे अथर अली खान, मेरा ख्याल है कि एक एज अच्छा, इनको नाजरीन को कमेंटेटर जो थोड़ा सा आप बता दें कि ये क्या कहानी क्या है ये सारी, ये इनको क्यों इस तरह इनके बारे में कहा जा रहा है कमेंट्री करने वालों के बारे में? ये क्योंकि ये इनको लगता है कि जब यहाँ ये हम बैठे हुए हैं कमेंट्री कर रहे हैं तो सिर्फ अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं। वो अगर कोई सिंगल भी बचा ले, कोई इजी सिंगल हो, तो उधर भी इस तरह हो रहा होता है जिस तरह हम पता नहीं, क्योंकि उनके फील्डर सुपरमैन बन गए, तो कोई आउट हो जाए तो इस तरह होता है जिससे पता नहीं कोई जंग अजीम जीत गए या कोई वर्ल्ड कप जीत गए। और अगर कोई पाकिस्तानी या कोई दूसरा कोई मुल्क का कोई छक्का मार दे, विकेट ले ले, तो ऐसा लगता है जैसे कोई सौ का मुकाम है। तो मेरे ख्याल है गलत बात है, ये पैगाम ही बहुत गलत जाता है इस तरह, क्योंकि जब आप इतनी बायस्ड करते हो, अपने कमेंट्स देते हो कमेंट्री कमेंट्री करते हुए, तो मेरे ख्याल है कि इस तरह बिल्कुल भी नहीं चाहिए। लेकिन ये हमेशा से करते आ रहे हैं, ये रसल आर्नोल्ड भी इस तरह ही करते हैं श्रीलंका के, और अथर अली खान और शमीम चौधरी तो खैर बहुत ज्यादा ही है। अच्छा, ठीक है, मैंने ये आपको देखा अपने मुल्क से होता है थोड़ा एक्स्ट्रा एज होता है, जी, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है मेरे ख्याल है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना फैफू, बिल्कुल चाहिए। आप सही कह रहे हैं, लेकिन ज्यादा मतलब शायद मेरी ऑब्जर्वेशन है, शायद आप इससे इख्तलाफ करें। या आपको भी लगता है कि दूसरे जो मतलब बड़ी क्रिकेट प्लेइंग नेशंस हैं, उनके ज्यादातर जो कमेंटेटर्स हैं, मसलन आप रमीज राजा को भी ले लें, उन्होंने जितनी कमेंट्री की है पाकिस्तान टीम के मैचेस को लेके, तो ऐसे ही लगता था कि वो हमेशा दूसरी साइड की एक किस्म की तारीफ बहुत ज्यादा कर रहे होते थे ना, एक अपनी सेल्फ क्रिटिसिज्म अपनी नेशन को लेके, अपनी टीम को लेके थोड़ा सा इजियर होता है उनकी गलतियां भी निकालना, क्योंकि बंदा उस टीम को बेहतर जानता भी है ऑब्वियसली, और अच्छा भी लग रहा होता है किसी और टीम के बारे में कुछ गलत करने इसके बजाय बंदा अपनी टीम पे जरा फोकस करे, तो ये चीज ज्यादा देखी। लेकिन ये जो मतलब ये ओवर एक्साइटमेंट थी वो कई जगह वाकई थोड़ी सी फनी लग रही थी। लेकिन थोड़ा सा मैच की तरफ आ जाते हैं, पिचेस की बात की फैफू भाई आपने, यकीनन आपने मैच देखा होगा। अच्छा, आपको याद होगा फैफू भाई, पिछले शो में मैंने आपसे पूछा था कि आप 100% कॉन्सेंट्रेटेड किस तरह रह सकते हैं एक निस्बतन छोटे मैच को लेकर। आज शोएब मलिक ने उसका जवाब दे दिया, वो कहते मैं कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रह सकता। क्या कहते हैं उस डिसमिसल पे? देखें, वो आपके जो हैं अपने यूट्यूबर्स जो हैं आपके दो कराची में जो बैठे हैं माशाल्लाह, हाँ, अगर आप चाहें तो मैं उनका नाम भी ले दूं। हाँ, ले 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 वो वासे हबीब साहब हैं और एक इफी साहब हैं जिन्होंने अपना असल नाम छुपाया हुआ है, क्योंकि वो शायद अपना अपनी वो तो असल शक्ल भी नहीं सही दिखाना चाहते। वैसे तो कमर रजा उनका नाम है, वो सबको अपना नाम इफी बताते हैं, तो वो तो कह रहे हैं कि शोएब मलिक साहब बुढ़े हो गए और उनको छोड़ देना चाहिए। खैर, ये तो उनकी बहुत पुरानी बात थी, अच्छा, अभी भी कहा लेकिन उन्होंने? अच्छा ये तो वो कहते रहते हैं, तो उन्होंने अभी भी कहा, अभी भी वो ट्विटर वगैरह पे ट्वीट कर रहे थे कि ये कैसी टीम है जो जहाँ पे 6 आउट हो गए, वर्ल्ड क्लास, कहाँ के ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, ये तो सेमीफाइनल तक पहुंच गए, तो तुक्का वुक्का लग गया इनके। वो तो टीम इंडिया के पीछे अच्छा, भागते थोड़ा हैं सा ना पिछली फैफू परफॉर्मेंस भाई, के सॉरी मैं लिए। आपकी बात टोकूं, आप ये भी बता दें ऑस्ट्रेलिया जो वर्ल्ड चैंपियन है वो क्या करके गए थे इस मुल्क में बिल्कुल, ये सीरीज उनसे में? भी कोई पूछे ना, उनसे भी कोई पूछे जो बस जिनको बस ये पता है कि अच्छा 6 आउट हो गए, मैच हार गए तो हमने उठ के अपना मुंह खोलना शुरू कर देना, और जो मुंह में हमारी हमने बोल देना है रोजी शुरू हो जाएगी। रोजी शुरू हो जाएगी, हमें क्लिक्स आ जाएंगे पड़ोसी मुल्क से। मेरा ख्याल है ये गलत बात है यार,
ठीक है, आज शुएब मलिक से जो गलती हुई है ठीक है, लेकिन ये इस तरह की नहीं है कि सिर्फ शुएब मलिक से हुई है या ये पहली और आखिरी दफा इस तरह कुछ हुआ है, पहले भी होता रहा। इंजमाम ने इस तरह की बहुत दफा गलतियां की हैं, यूसुफ बहुत दफा कॉमिकल रन आउट हुए हैं, सारी टीम में होता है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। जी ठीक है, आपके थोड़ा लैप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है क्योंकि आप जिस तरह हमारी पिछले बात हुई थी कि बहुत ही हाई वोल्टेज मैचेस चल रहे थे पाकिस्तान के, इधर बिल्कुल ही अलग सिचुएशन थी। ठीक है, जी लेकिन मेरा ख्याल है ये इससे कोई चीज तो है नहीं है जो पहले कभी हुआ नहीं है या आगे हो नहीं सकता, बिल्कुल ऐसा तो ही है। और ठीक है, गलती हो एक जाती है तो हो फेलियर है, जाती है, कोई मसला नहीं है। एक फेलियर है बिल्कुल मेरे ख्याल में, उसको भी जो लोग देखें हाईलाइट उसके कर इस रहे हैं। रन आउट से शुएब मलिक की क्लास या उसकी जो पास परफॉर्मेंसेस है या जो अभी भी जो उसके प्रेजेंट की जो फॉर्म है वो खराब, वो चेंज तो नहीं ना होनी। ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फॉर्म की बात की, शताब खान शाइनी नजर आ रहे हैं आपको, फिर से पुराने वाले नजर आ रहे हैं आप, बैट से भी वो दे रहे हैं कंट्रीब्यूशन। और वैसे ही जिस तरह होता है ना बॉलर का, खास तौर पे जब वो दो चार विकेट ले लेता है रिसेंट मैचेस में, तो उसकी बॉल में भी उसके अंदाज में भी कॉन्फिडेंस ही कोई अलग नजर आता है। बिल्कुल सही बात है। और शताब खान का मेरे ख्याल है फॉर्म में होना पाकिस्तानी टीम के लिए बहुत जरूरी है, एक तो उनकी बैटिंग बिल्कुल पोजीशन बहुत वाइटल है और उनकी जो वो बॉलिंग करते हैं मिडिल ओवर्स में आके, और पाकिस्तान के प्रीमियम स्पिनर हैं इस वक्त, बेशक उनकी फॉर्म नहीं अच्छी लगी हुई थी, हम जी भी कह रहे थे कि ये गलत जा रहे हैं, गलत सीमत में जा रहे हैं शताब खान, तो मेरे ख्याल है जी उनकी फॉर्म में आना बहुत जरूरी है। लेकिन उम्मीद है अभी 2 मैचेस में उन्होंने आगे पीछे अच्छी बॉलिंग कराई है, ठीक है वर्ल्ड कप में इतनी बुरी बॉल नहीं कराई उन्होंने, लेकिन अभी मेरे ख्याल है बांग्लादेश को छोड़ के, क्योंकि इधर तो विकेट्स भी आपको इस तरह की मिलेगी जहाँ पे ठिप्पा पड़ता है तो दो 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 किलो तो यहाँ पे मट्टी उड़ रही होती है, तो मेरे बिल्कुल ख्याल है अभी ठीक इतनी जल्दी जज नहीं करना चाहिए कौन आउट ऑफ फॉर्म है कौन इन फॉर्म है, तो जी। अभी जाहिर सी बात है जब आगे मैचेस में जो परफॉर्म करेंगे बाहर की कंडीशंस में जाके भी करेंगे और थोड़ी ट्रिकी पीरियड्स में सिचुएशंस में करेंगे, फिर तो जाहिर सी बात है कि तारीफ होगी, फिर होनी भी चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया फाफू भाई। और अगर आपके जहन में कोई हो आज के मैच को लेकर कोई बात। नहीं ऐसे तो खास नहीं है, लेकिन एक ही पैगाम है बस जो उन लोगों के लिए जो कह रहे थे कि ये जो टीम के 6 खिलाड़ी आउट हो गए और इनसे चीज नहीं हो रहा था और फोंके पंटर जिस तरह कहते हैं बहुत सारे लोग हमारी टीम को, उनके लिए यही है कि यार अगर आपको क्रिकेट का पता है ना तो फिर आप भी तभी क्रिकेट के बारे में बोलो, वरना अगर आपने अपनी माफिया चलानी है लोगों को खुश करने के लिए, फैसल इकबाल को खुश करने के लिए, फिर आप सिर्फ चीजें रहने दो प्लीज। बिल्कुल ठीक हो गया, बड़ा क्लियर स्टेटमेंट है आपका। अच्छा, खुशदिल शाह की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो उन्होंने नॉक खेला, बहुत जो है ना कह लें डिफरेंट राय मिल रही है इस टाइम सोशल मीडिया पे इस पे ना। कुछ लोग कह रहे हैं कि ब्रिलियंट था जिन कंडीशंस पे, जिस वक्त उन्होंने कह लें कि साथ दिया, और शादाब ने फिर नीचे से उनका साथ दिया ऊपर से फिर, और जिस तरह उन्होंने रन बॉल की तकरीबन खेली है 35 किया एक इनिंग्स। लेकिन आप किस तरह रेट करते हैं, क्या आप ऐसा ही चाहते हैं इस पोजीशन के बैट्समैन से कि वो गेम को लंबा लेकर जा सके इफ नीडेड। देखें ये जो नंबर 6 की पोजीशन होती है ना उम्मीद भाई, ये T20 क्रिकेट में सबसे ट्रिकी होती है, या तो आप 40 पे 4 पे आ जाए तो जिस तरह 24 पे 4 पे आए हैं वो, या तो आप 40 पे 4 30 पे 4 24 पे 4 आ जाते हो, या तो आप तब आते हो जब सिर्फ 6 बॉलें बाकी होती हैं, तो ये जी बहुत ट्रिकी पोजिशन होती है, तो जाहिर सी बात है इधर आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट करना पड़ता है, उसी तरीके से गेम लेके चलनी पड़ती है। लेकिन मैं बिल्कुल बिल्कुल तारीफ करना चाहूंगा खुशदिल शाह की यहाँ पे, और मैं बिल्कुल इसी तरह फखर जमान की भी तारीफ करूंगा करूंगा, क्योंकि दोनों ने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके गेम खेली है। ऐसे ही आपको अगर पता हो कि ये लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं 10-12 बॉलिंग खेलने के बाद, ये लोग छक्का मारने जाते हैं फिर नहीं लगती, फिर दोबारा जाते हैं फिर नहीं लगती, फिर दोबारा जाते हैं, उसी सिलसिले में जी आउट भी हो जाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल है उन्होंने सिचुएशन को बहुत जबरदस्त किस्म से लेके चले हैं, पहले शुरू में इन्होंने पार्टनरशिप बिल्ड की है, फिर जब इनको लगा कि ठीक है अब हमने एक्सिलरेट करना है तो बोलर एक्सिलरेट भी किया, फिर जाहिर सी बात है यार आपके सामने जब बॉलर भी अच्छे हों तो फिर आप आउट भी हो सकते हो, लेकिन उधर तक पहुंचाना है कि शादाब और नवाज गेम को आपके खत्म करें, तो मेरे ख्याल है इसमें खुशदिल का और फखर जमान का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि ये दोनों पावर हिटर्स हैं, तो वैसे भी 10 जैसे मैंने आपको पहले कहा 10 बॉलों के बाद ये लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बाउंड्री के लिए जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल है जिस तरह बिल्कुल इन्होंने अपनी इनिंग से 30-30 40-40 बॉलें खेली है वाकई काबिल तारीफ है। बिल्कुल सही बात है फैफू भाई। और मैं बिल्कुल आपसे एग्री करूंगा कि जहां पे आप कंफर्ट जोन से जरा बाहर कहते हो ना किसी को खेलने को, तो वो उस चीज की फिर वाकई दाद बनती है, खासतौर पे फखर का भी बहुत ज्यादा उनकी इस स्पॉट पे डिस्कशन होती है और हमेशा होगी। जब भी वो फेल होंगे तो खासतौर पे स्पॉट की बात होगी कि ये वन डाउन आते हैं तो ठीक आते हैं। कुछ प्लेयर्स हैं जिनको टाइम लगता है एक कह लें नंबर अपने नाम करने के लिए, क्योंकि पता होता है कि यार ये ओपनर भी खेल चुके हैं एज एन ओपनर, और पाकिस्तान के लिए अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दी हुई है इन्होंने।
मेरा भी यही पैगाम होगा जो लोग शुएब मलिक को भी इस टाइम ट्रोल कर रहे हैं, उनके लिए भी यही पैगाम होगा, खासतौर पे अगर तो वो पाकिस्तानी है, अगर वो पाकिस्तानी नहीं है फिर तो खैर है, फिर तो उनका काम है ये करना और लोग करते हैं करते रहे, लेकिन जो कुछ पाकिस्तानी गद्दार भी होते फैंस हैं, कुछ गद्दार भी होते हैं जो जिनको मैं पाकिस्तानी नहीं मानता। बिल्कुल बात यही है कि जो ऐसे हैं दोस्त तो नहीं करना चाहिए उनको, लेकिन जो भी ऐसे हैं जो शोएब मलिक के इस टाइम साथ नहीं है और उनके मुश्किल वक्त में कह लें एक छोटे से फेलियर में एक बिल्कुल ना इम्पोर्टेंट मैच में उनको अभी ट्रॉल कर रहे हैं, तस्वीरें बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, तो उनके लिए ये नोट है भाई कि जब ये छक्के मार रहे थे, जब इन्होंने फास्टेस्ट 50 की तो सबसे ज्यादा आप लोग की ही नाच रहे थे उस टाइम और आप लोगों को खुशी हो रही थी, हाँ तब ये भी तो कहा जा रहा था कि स्कॉटलैंड को ही मारा है ना, तब ये भी कहा देखिए जा रहा था। अब जलने वाले तो जलेंगे ना, उनको तो वही बात है ना, थकने जलने वाले उनकी तो जलेंगे। अब और बात ही जिसकी ना मैं करें बात ना। कर रहा हूँ, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसके आज सबसे ज्यादा व्यूज आए हैं यूट्यूब पे पिछले 1 महीने में, यानी कि वर्ल्ड कप में उसको टोटल मिला के इतने व्यूज नहीं आए जितने आज उसके आज आ गए, क्योंकि आज उसने सबको छाड़ना भी छाड़ना था और पड़ोसी मुल्क से उसको जो है क्लिक्स आने थे आज। बिल्कुल अब देखिए ना मैम, उसका तो कॉन्सेप्ट ये है ना कि उसने अगलों को जो है वो क्रिटिसाइज करना है अपने प्लेयर्स को और दूसरी ओपोजिशन से किस्म का उसने वो लेना है अपना, लेकिन हम तो दुआ ही कर सकते हैं फैफू भाई इस तरह इन लोगों के लिए भी कि वो किसी और तरफ से भी उनको मिले रेंज और लोग उनकी बातें पसंद करें, ना कि सिर्फ वो अपोजिशन के पास जाएं। वो तो बाबर को लेकर भी बहुत बहुत बातें करते हैं, तो मेरे ख्याल में हम सबके लिए बेस्ट है हम इस तरफ ना देखें, प्राउड फील करें आज फिर भी, जिस तरह फैफू भाई ने कहा है, नाजरीन से भी गुजारिश होगी प्राउड प्राउड फील करें जो पाकिस्तान टीम से जुड़े हुए फैंस हैं कि ये पिचेस आसान नहीं है, बहुत कंडीशंस यहाँ पे टफ होती हैं और इनकंसिस्टेंट नजर आई पूरी परफॉर्मेंस भी, और पाकिस्तान की तरफ से भी अब बाबर और रिजवान के गिरने के बाद मैच जीतना, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे वो नामीबिया हो जो भी हो, उन सब हेटर्स के लिए अच्छा जवाब है जो कहते हैं ये दोनों ये लोग सिर्फ इन दोनों पे लड़ाई रिलाई करते हैं, तो मेरे ख्याल में अच्छा प्राउड होना चाहिए, आज का मैच अच्छा गुजरा और होप के अगले मैच में भी हमें अच्छी चीजें नजर आए, हैदर अली भी चले जो अपना एक किस्म का कमबैक कर रहे थे और बाकी भी जो प्लेयर्स आए हैं वो अच्छा करें ताकि हम बाद में प्रिपेयर्ड हो हमारी टीम बड़े मैचेस के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन एक मैच पर तो वैसे भी जज नहीं कर सकते आप किसी को, ठीक है। तो मेरे ख्याल है हौसला हिम्मत रखना चाहिए सबको, तहम्मल से काम लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपके अंदर हौसला और हिम्मत नहीं है तो फिर आपको क्रिकेट का पता भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है फैफू भाई, मेरे ख्याल में आपके इसी नोट पे शो खत्म करते हैं, व्यूअर्स से गुजारिश है कि अगर आपने हमारी शॉर्ट वीडियोस नहीं देखी तो शॉर्ट्स भी जाके देखें और जो ब्रेकिंग न्यूज आती है बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको ब्रेकिंग न्यूज भी मिलती रहे, क्योंकि बाजू का ऐसे होता है कि ब्रेकिंग न्यूज आती है तो हम उसी वक्त आपके लिए वीडियो बना के दे देते हैं ताकि आपको जल्द अज जल्द इंफॉर्मेशन मिल जाए। मेरी तरफ से फैफू भाई की तरफ से इजाजत है, बैट एंड चैट, लव यू ऑल, टेक केयर। पेरेंट चैट।